हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ग्लैमर फेस का फिक्सर शेयर करने जा रही हूँ कि ये किस तरह का है, क्या इसको यूज़ करने से आपका मेकअप वाकई लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। एंड इसके अलावा ग्लैमर फेस पे फेस पाउडर भी आता है। ये जो पाउडर है ये फिक्सिंग पाउडर है, यानी कि इसको लूज पाउडर भी कहा जाता है, मिनरल पाउडर भी कहा जाता है, डिफरेंट शेड्स इसमें आते हैं। सो इस लूज पाउडर को किस तरह से यूज़ करना है एंड इसकी क्या प्राइस है, फुल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगी। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जितनी भी वीडियोज मैं अपलोड करूँ तो आपके पास मेरा नोटिफिकेशन फॉरन आ जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ग्लैमर फेस की जितनी भी प्रोडक्ट्स होती है बहुत ही ज़बरदस्त होती है, कमाल की होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। चाहे इसकी प्रोडक्ट में आप फाउंडेशन को यूज़ कर लें या फिर स्टिक को यूज़ कर लें या फिर आई शेड किट यूज़ कर रहे हैं, कोई भी ब्रांड अगर यूज़ करते हैं तो आपको इसका रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। एंड इसके अलावा सबसे मज़े की बात इसमें ये भी है, ये जो ग्लैमर फेस की ब्रांड है इसकी क्वालिटी अच्छी होने के साथ साथ ये अफोर्डेबल प्राइस में भी मिल जाता है एंड प्रोफेशनल यूज़ है, यानी कि सैलून्स में भी इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। एंड इसके अलावा आप इसकी हेल्प से डिफरेंट मेकअप क्रिएट कर सकते हैं। लॉन्ग लास्टिंग मेकअप अगर चाहते हैं तो इस लूज पाउडर को यूज़ करके आप अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं। ग्लैमर फेस के फिक्सिंग पाउडर आप देख सकते हैं इस तरह की पैकेजिंग में आते हैं, जिस तरह से क्राइलॉन के लूज पाउडर आते हैं, यानी कि ट्रांसलूसेंट पाउडर जिस पैकेजिंग में आते हैं उसी तरह से इसकी पैकेजिंग है। बट क्राइलॉन की जो प्लास्टिक पैकेजिंग होती है थोड़ी हार्ड होती है, इसकी थोड़ी सी लाइट है बट सेम थोड़ी सी है। एंड अंदर से जब आप इसको ओपन करते हैं इस तरह से एक प्रोटेक्टर कैप दिया हुआ होता है, जिसकी हेल्प से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, फिक्स करके रख सकते हैं। अगर इस कैप को अगर खो देते हैं आप तो इस तरह से आपका जो लूज पाउडर है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ाया होगा। तो कोशिश करें जब आप इसका कैप यानी कि लेड उतारें उसके बाद ये जो प्रोटेक्टर कैप होता है उसको सेफली करके रखा करें, यानी कि हाथ या हाथ लगा लेंगे तो आपका ये कैप मिस नहीं होगा, मिसप्लेस हो जाता है, जिसकी वजह से फिर आपको काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है, बाद में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। सो ये जो फिक्सिंग पाउडर है यानी कि लूज पाउडर जो है इसको मैनुअल पाउडर भी कहा जाता है। इसका जो नंबर है यानी कि जो इसका शेड है TL11 है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से टैपिंग दी हुई होती है, यहाँ से इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद इसमें होल्स होते हैं जिसकी हेल्प से आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं इसको कि कितनी क्वांटिटी लेनी है। सो जिस तरह से क्राइलॉन पे TL11 होता है इसी तरह से इस पर भी TL11 है। दोनों ही फेयर शेड होते हैं। अगर आपके स्किन टोन फेयर है, अगर आप F1 यूज़ करते हैं क्राइलॉन स्टिक की, तो आप इस लूज पाउडर को अपनी स्किन पर यानी कि फाउंडेशन पे स्टिक पे यूज़ कर सकते हैं। यानी कि TL11 ये जो शेड नंबर है ये फेयर स्किन के लिए है। अगर आपकी स्किन फेयर है तो आप इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। सो ये जो ट्रैपिंग है इसको आप फुल भी हटा सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके अलावा ये जो फिक्सिंग पाउडर है इसको HD फिक्सिंग पाउडर भी कहा जाता है और मैट फिनिश होता है, यानी मैट फिनिश लुक देता है आपको, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं देता। सो ये जो लूज पाउडर है ज़्यादातर ऑयली स्किन वाले के लिए काफ़ी बेस्ट होता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है, बहुत ज़्यादा आपके फेस पे ऑयल आता है, तो ये एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करने में बहुत ज़बरदस्त सा रोल क्रिएट करता है एंड आपके फेस में से ऑयल को रिमूव करके उसको बहुत ही अच्छा सा मैट फिनिश लुक देता है। अगर आप फाउंडेशन यूज़ करते हैं उसके बाद भी इसको लगा सकते हैं, अगर आप कोई भी स्टिक फॉर्म की बेस यूज़ करते हैं तो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके अलावा ये जो ग्लैमर फेस की प्रोडक्ट है chaprabeauty.com के नाम से आपको मिल जाती है। एंड इसके अलावा इस ग्लैमर फेस प्रोडक्ट में सबसे मज़े की बात यानी कि सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मैन्युफैक्चर डेट भी मेंशन है, एक्सपायर डेट भी मेंशन है, इसके हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको कब तक यूज़ करना है। एंड इसके अलावा इंग्रेडिएंट्स फुल डिटेल यहाँ पर मेंशन है, यहाँ से देख के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये जो कंटेनर होता है इसके बैक साइड से यानी कि होल से भी आप इसका शेड चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इसको इस तरह से ओपन करेंगे, जब भी इसको यूज़ करें तो इस तरह से थोड़ा सा फिंगर से टैप कर लिया करें, यानी कि इसके कैप पे थोड़ा सा फिंगर से इस तरह से टच कर लिया करें, थोड़ा सा करने के बाद फिर इसको ओपन करा करें, क्योंकि अगर इस तरह से आप ओपन करते हैं, डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं तो आपका जो लूज पाउडर है वो ज़ाया भी हो सकता है, गिर सकता है इधर उधर। सो अगर आप हाउसवाइफ हैं और घर पे यूज़ करना चाहती हैं तो इधर यहाँ से टेपिंग को ओपन कर लेंगे, उसके बाद आप यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें होल्स दिए हुए होते हैं जिसकी हेल्प से आप अपने हिसाब से क्वांटिटी निकाल सकते हैं। सो टेप हटा के मैं होल्स चेक करवा देती हूँ आपको, इसके बाद मैं फिर दोबारा से अगेन इसको टेप को लगा दूँगी, क्योंकि मैं इसको इस तरह से यूज़ नहीं करती, क्योंकि सैलून में काफ़ी ज़्यादा मेकअप इकट्ठे आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें फुल लिड को ओपन करके ही मेकअप करना होता है। अगर इसको टेप को हटा के हम करेंगे तो क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा कम आती है। अगर एक फेस के लिए आप कर रहे हैं तो आप इसको ही हटा के यूज़ करें, अगर आप ज़्यादा मेकअप कर रहे हैं या फिर आपके पास टाइम कम है तो आप पूरे लिड को या प्रोटेक्टर को हटा के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो इसको ओपन जो करेंगे इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं इस तरह से थोड़ा सा टैप कर लें, उसके बाद इसको ओपन करेंगे तो ये टाइटली क्लोज होता है, यानी कि नॉर्मल नहीं होता,
जो कि इसमें बहुत अच्छी बात है। अगर नॉर्मल होता है तो वो कैप यानी कि लेट खुद ही हट जाता है, उसकी वजह से फिर आपका ग्लॉस भी हो सकता है, गिर भी सकता है लूज पाउडर। TL11 नंबर का आप शेड देख सकते हैं, यानी थोड़ा सा ये येलो टोनिश फील होता है, बट होता नहीं है। अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो बहुत ही अच्छा सा फील होता है, यानी कि फेयर टोन के लिए काफ़ी बेस्ट है। अगर आपकी स्किन फेयर है और आप कोई फेयर सिक्सिंग पाउडर यूज करना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, इसकी लॉन्ग लास्टिंग काफ़ी अच्छी है। ये फिक्सिंग पाउडर होता है, मैनुअल पाउडर भी होता है, यानी कि कोई सीक्रेट बेस बनाते हैं पॉलर सीक्रेट बेस, तो उसमें भी इसको मिक्स करके जब आप लगाएंगे तो आपकी जो बेस है सुपर लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त लुक आता है। आप इसको इवनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, नाइट में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऐसी लेडीज़ भी आती हैं, ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं जो इवनिंग में मेकअप करवाना पसंद करते हैं, यानी कि इवनिंग में कोई ओकेजन है तो भी इस तरह की बेस सीक्रेट बेस आप यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर नाइट में है तो नाइट में तो कोई इशू नहीं होता इतना ज़्यादा स्वेटिंग का, ज़्यादातर इवनिंग में ही इशूज़ होते हैं। तो इवनिंग के लिए पॉलर सीक्रेट बेस बहुत ही ज़बरदस्त सी रहती है। अगर आप पॉलर सीक्रेट बेस फेस पे अप्लाई करते हैं और उसके बाद फिर मेकअप करते हैं तो बहुत ही अच्छा सा इफेक्ट आता है आपके फेस पे, लॉन्ग लास्टिंग रहती है आपकी बेस। अगर पॉलर सीक्रेट बेस आप देखना चाहते हैं, वीडियो नहीं देखी तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ईजिली वहाँ से जाके वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी पॉलर सीक्रेट बेस है। सो ये तो बात हो गई पॉलर सीक्रेट बेस की, अब चलते हैं ग्लैमर फेस के फिक्सर की तरफ, यानी कि इसको किस तरह से यूज़ करना है एंड किस फेस पे आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो ग्लैमर फेस फिक्सिंग पाउडर है इसमें डिफरेंट शेड्स भी आते हैं, एंड इसके अलावा अगर आप इसको यूज़ करेंगे ऑयली स्किन पे तो काफ़ी ज़बरदस्त सा ये रिजल्ट देगी आपको। एंड इसके अलावा इस फिक्सिंग पाउडर को आप ऑल टाइप के स्किन पे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर आप ड्राई स्किन पे यूज़ करेंगे तो भी बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, रिजल्ट आपको देगी। बट ये मैट होती है, इसलिए जब आप अपने फेस पे इसको यूज़ करें तो सबसे पहले अपना फेस प्रिपेयर कर लें, यानी कि पहले आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लें, उसके बाद फिर आप कोई सा भी ऑयल भी लगा सकते हैं फेस ऑयल। एंड उसके बाद थोड़ा सा आप वेट करेंगे, यानी 1 से 2 मिनट वेट करें, उसके बाद फिर आप कोई सा भी बेस्ट प्राइमर लगाएंगे पूरे फेस पे। अच्छी तरह से प्राइमर लगाने के बाद आप 2 मिनट या 3 मिनट का वेट करेंगे एंड उसके बाद एनी फाउंडेशन लगा सकते हैं। एनी फाउंडेशन लगाने के बाद आप कोई से भी फाउंडेशन जब लगाते हैं कोशिश किया करें जब ड्राई फेस पे आप कर रहे हैं मेकअप तो लिक्विड फाउंडेशन का यूज़ करें। एंड अगर ऑयली स्किन पे आप यूज़ कर रहे हैं तो आप कोई सी भी बेस यूज़ कर सकते हैं, तो ऑयली फेस पे इतना इशू नहीं होता जितना कि ड्राई या सेंसिटिव स्किन पे प्रॉब्लम्स होती है। एंड उसके बाद फिर आप इस फिक्सिंग पाउडर को यूज़ करेंगे तो ऑयली स्किन वाले भी इसको इसी तरह से यूज़ करेंगे, बट आप अगर प्राइमर यूज़ ना भी करें तो डोंट वेरी, आप कोई सी भी बेस या फिर कोई सा भी फाउंडेशन लगाने के बाद भी इस फिक्सिंग पाउडर को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपकी जो बेस है लॉन्ग लास्टिंग बन जाती है, क्योंकि ऑयली फेस के लिए बहुत ही ज़बरदस्ती है क्योंकि ये मैच है। इस तरह से आप डिफरेंट फेस पे इसको यूज़ कर सकते हैं, सेंसिटिव स्किन पे भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राई पे भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयली पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ये जो मिनरल पाउडर है यानी कि फिक्सिंग पाउडर है, इसको कौन कौन से स्किन टोन पे आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये आप देख सकते हैं मेरे पास 3 शेड्स है। ये नंबर 1 पे जो शेड्स है TL11 है, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। एंड इसके अलावा आप देख सकते हैं ये मेरे पास TL9 है, यानी कि अगर आपका फेस गंदमी है, डल कलर है आपके, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर 38 यूज़ करते हैं अपनी स्किन पे कोई सी भी स्टिक, या फिर जो 36 यूज़ करते हैं वो भी इस लूज पाउडर को यूज़ कर सकते हैं, यानी TL9 को आप लाइट कलर पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका फेस डल है तो आप इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, आपकी स्किन पे मैच रहेगी और बहुत ही अच्छा सा आपका बेस बनेगा। एंड TL11 जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि आप फेयर स्किन पे इसको यूज़ करेंगे। सो ये जो 2 कंटेनर है इस पे टेपिंग की कुछ लाइट है, इस कंटेनर पे आप देख सकते हैं वाइट फॉर्म पे जो इजीली नज़र आ रही है। एंड अब आप देख सकते हैं TL3 नंबर है, यानी कि ये भी फेयर टोन पे है, बट ये थोड़ा सा पिंकिश होता है। अगर आप पठान वगैरह को आपने देखा होगा, उनका कलर फेस थोड़ा पिंकी टोन पे होता है। एंड इसके अलावा जो गिलगिती होते हैं उनका फेस भी थोड़ा पिंकिश सा होता है, तो उनके लिए काफ़ी बेस्ट है ये, पिंक टोन के लिए काफ़ी बेस्ट होता है। सो ईजिली इस कंटेनर्स को देख के अपनी स्किन पर टेस्ट करके आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा लूज पाउडर आपके लिए सेट रहेगा, यानी जो लाइट कलर है फेयर टोन पर है तो आप फेयर टोन पे यूज़ कर सकते हैं, जो डिम है थोड़ा सा गंदमी कलर है तो आप गंदमी स्किन पे यूज़ करेंगे। स्किन टोन के हिसाब से अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत ही परफेक्ट आपकी बेस बनती है और काफ़ी अच्छा सा रिजल्ट रहता है। सो इतना ज़बरदस्त सा ये जो फिक्सिंग पाउडर है इसकी प्राइस क्या है, तो आपके साथ मैंने इसकी प्राइस नहीं शेयर की। सो इसकी जो मार्केट में प्राइस है 450 है, यानी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में इतना ज़बरदस्त सा लूज पाउडर आपको मिलता है। डिफरेंट एरियाज़ के हिसाब से आगे पीछे आपको प्राइस भी मिल सकता है, यानी 450 या 550 के अंडर। सो फ्रेंड, ग्लैमर फेस का ये फिक्सिंग पाउडर किस तरह का है, किस तरह यूज़ करना है, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।